हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। रिसेंटली रशिया ने भारत को ऑफर किया है कि आप तेल हमसे थोड़ा सस्ते दामों में खरीद लो, बट आप हमसे तेल ले लो जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सही सलामत रहे। बट बीच में आ गया है यूएस कि अगर आपको रशिया से तेल लेना है तो आप डॉलर में नहीं ले सकते हो। अब क्या है भारत के पास ऑप्शन और क्या है ये पूरी कहानी जानते हैं इस सेशन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज मानवीन प्रताप सिंह एंड आज के सेशन में हम यही चीज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फॉर द सेशन ऑफ दिस पीडीएफ। देखिए, भारत और रशिया जो है वो आज के दोस्त नहीं है। भारत और रशिया दोस्त हैं, आज़ादी के बाद से ही भारत और रशिया की रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही है। इवन 1972 का जब वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय यूएस जो है पाकिस्तान की मदद करने के लिए आने वाला था, तब रशिया ने इंटरफेयर किया था और कहा था कि अगर यूएस इंक्लूड होगा तो फिर हम भी आ जाएंगे, जिसके वजह से यूएस को वॉर से अपने आप को पीछे खींचना पड़ा था। रशिया भारत की काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करता है। इवन हमारे देश का जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसमें भी रशिया की 50% पार्टनरशिप है। रशिया डिफेंस के लिए भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सेक्टर में रशिया ने भारत की समय समय पर मदद करी है। आज ज़रूरत है रशिया को भारत की मदद की, और भारत क्या ये मदद रशिया की करेगा, जानते हैं क्या था ये पूरा मामला। मामला ये है कि देखिए, अभी ऑयल के प्राइजेस ना पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ चुके हैं पहले के कंपेरिजन में। इसी के बीच में रशिया ने भारत को ऑफर किया है कि आप तेल हमसे सस्ते दामों में खरीद लो। जैसे कि आप शॉप्स में जाते हो, वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आप पहले डिस्काउंट वाली शॉप में जाते हो, तो वही चीज़ रशिया ने यहाँ पे करी है। भारत तैयार हो गया था रशिया से ऑयल खरीदने को, इम्पोर्ट करने को। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पता है ना, इम्पोर्ट मतलब हम कोई चीज़ हमारे देश में लाते हैं, एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश से कोई चीज़ बाहर भेजते हैं। तो भारत यहाँ पे तैयार हो गया रशिया से ये डील करने को, लेकिन बीच में आ गया यूएस और उसने कहा कि भैया अगर तुम्हें ये ट्रेड करना है तो तुम डॉलर में नहीं कर सकते हो। देखिए, विश्व के जो ट्रेड है ना वो मोस्टली डॉलर्स में होते हैं, हार्ड करेंसीज में होते हैं। हार्ड करेंसीज क्या होती है? हार्ड करेंसीज लाइक यूएस डॉलर, जो कि विश्व में 62.16% एक्सेप्टेबल है। फिर यूरो आती है जो 25.02% एक्सेप्टेबल होती है। देन जैपनीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड युआन, जो हमारी चाइना की करेंसी है। भारत ने अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है? भारत ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि अब हम चाइनीज करेंसी में इस ट्रेड को पूरा अंजाम देंगे और रशिया के साथ इस एग्रीमेंट को अंजाम देंगे। मतलब भारत खड़ा हो गया है रशिया के साथ उनकी इकोनॉमी में मदद करने के लिए, और भारत का उसमें फायदा भी हो रहा है। देखिए, रशिया की इकोनॉमी जो है ना गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट एंड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। आपको याद होगा कि इस पूरे मामले के अंदर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का काफ़ी न्यूज़ में रहा था नाम। ऐसा क्यों रहा था? रशिया ने जर्मनी तक की एक पाइपलाइन बिछाई थी जिसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2। इस पाइपलाइन के थ्रू रशिया जो है वो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करके पैसा कमाना चाहता था, बट जब जर्मनी ने अब मना कर दिया है, जब बिकॉज ऑफ रशिया ने यूक्रेन की एनेक्स किया करने की कोशिश जो करी है, उसके चलते हुए ये जो पाइपलाइन है ना वे ठंडे बस्ते में जा चुकी है। रशिया ने इसी तरीके की एक पाइपलाइन चाइना के साथ भी बिछाई थी जिसका नाम था पावर ऑफ साइबेरिया। और रशिया ने ये इन्हीं सब चीज़ों को सोच के आज से कुछ साल पहले ये काम कर डाला था कि चाइना अपना दोस्त है, अगर कल को वेस्टर्न कंट्री से हमारी प्रॉब्लम भी होती है तो हम चाइना को तो कम से कम नेचुरल गैस सप्लाई करके अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत पटरी पर रख सकते हैं। रशिया के साथ सिर्फ यहीं पे प्रॉब्लम नहीं हुई है, रशिया के साथ स्विफ्ट बैंक से भी उनका नाम हटा दिया गया है। स्विफ्ट बैंक कैसे काम करता है? देखो, सेंडर और रिसीवर की जगह पे आप ध्यान से समझिएगा बात को। इंडिया से बैठे बैठे आपको अमेरिका से एक आईफोन खरीदना है, आप क्या करोगे? आपने आईफोन खरीदने के लिए पेमेंट करी, बट आपकी पेमेंट तो इंडियन पैसों में है, वहां पे तो डॉलर चाहिए। तो जो स्विफ्ट बैंक है ना वो इंटरमीडिएटरी की तरह ट्रांजेक्शन कन्वर्ट करके रिसीवर को जो अमाउंट जिस करेंसी में चाहिए होता है वो भेज देता है। स्विफ्ट बैंक से अगर किसी कंट्री का नाम हटा दिया जाता है ना, तो उस देश की जो इकोनॉमी है ना वो पटरी से बाहर आ जाती है। 2018 में ईरान के साथ ऐसा किया गया था और ईरान की इकोनॉमी हम सबके सामने है। अभी रशिया का नाम भी स्विफ्ट बैंक की कैटेगरीज में से हटा दिया गया है, और इसी वजह से रशिया को काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब बात आती है भारत की, तो भारत अपने पुराने मित्र रशिया के साथ खड़ा है। यूएन के वोट्स में भी हमने हमारे वोट्स को अब्सटेन किया था, और यहाँ भी भारत जो है वो रशिया के ट्रेड करने के लिए तैयार हो गया है। और इसमें आपका फायदा भी हो रहा है क्योंकि आपको ऑयल जो है वो बाहर की कीमतों से सस्ता मिल रहा है। युआन विल बी द करेंसी जिसमें ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन होगा। वैसे तो इंडिया चाइना की रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आज ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं दोनों कंट्री के आपस में मिले हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन के वजह से जो कि रशिया चाइना और आपका इंडिया जो है वो एक जगह पे खड़े हुए हैं, तो चीज़ें तीनों कंट्रीज के बीच में और बेटर हो सकती है। रशिया इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी कंट्री की करेंसी यूज़ कर रहे हो तो उस कंट्री का नाम बढ़ रहा है, तो उस कंट्री को फिर आपके लिए भी रेस्पेक्ट रखनी होगी।
तो भारत जब युआन करेंसी यूज कर रहा है तो चाइना को हमारे साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करके चलने होंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, पूरा मामला समझ में आया हो। अगर आप लोग चाहें तो इस सेशन की पीडीएफ के लिए मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में हमने जाना कि किस तरीके से इंडिया जो है रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, जब बीच में यूएस आ गया है, यूएस ने कहा है डॉलर में ट्रेड मत करो, तो इंडिया ने कहा भैया हम युआन में करेंगे, जो करना है कर लो। भारत जो है रशिया के साथ खड़ा है, हमारा पुराना मित्र है, हमारे लिए डिफेंस के लिए रशिया बहुत जरूरी है, हमारे काफ़ी सारी डिफेंस डील रशिया के साथ पेंडिंग पड़ी हुई हैं और रशिया ने हमेशा भारत की मदद करी है और उसी के कदम बढ़ाते हुए भारत भी रशिया के साथ खड़ा अपने आप को पा रहा है। हार्ड करेंसी क्या होती है हमने ये जाना, स्विफ्ट बैंक कैसे काम करता है हमने ये जाना, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, पावर ऑफ साइबेरिया, काफी कुछ जानने को मिला इस सेशन के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, स्टडी ग्लोज को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।